अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एपेक्स ग्रुप ऑफ कॉलेजेस डिस्का फेज 7 के हम एग्जामिनेशन 2020 में केमिस्ट्री का ग्रुप ए का पेपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है एक्सरसाइज में से है कैलोरी इज इक्वल टू द 4.184 जूल्स, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड ऑब्जेक्टिव है दी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाश HCl जो है जब रिएक्ट करते हैं एसिड साल्ट और वाटर बनाते हैं, ये एक न्यूट्रलाइजेशन का रिएक्शन है, लिहाजा इस दौरान जो चेंज इन इंथैल्पी है वो क्या कहलाएगी, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। थर्ड ऑब्जेक्टिव है जी एंडोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन इज अलाउड टू टेक प्लेस वेरी रेपिडली इन द एयर द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग एयर इज डिक्रीज, क्योंकि एंडोथर्मिक में हीट अब्जॉर्ब हो रही होती है, जब सराउंडिंग से हीट अब्जॉर्ब होगी तो सराउंडिंग में टेम्परेचर या हीट कम होने की वजह से टेम्परेचर फॉल हो जाएगा, कम हो जाएगा। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन बॉम क्लोरीमीटर इज 20 एटमोसफेयर। फॉर द गिवन प्रोसेस हीट चेंज एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्यू पी एंड क्यू वी का जो रिलेशन है वो क्या है, क्यू पी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्यू वी। ये आंसर यूँ भी लिखा जा सकता है, क्यू वी इज लेस देन क्यू पी। नेक्स्ट है जी टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड इनथैल्पी। इंथैल्पी बराबर होती है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस वी, यानी इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन, तो वो टोटल हीट ऑफ सिस्टम कहलाएगा। नंबर ऑफ फंडामेंटल वे टू ट्रांसफर द हीट एनर्जी इनटू और आउट ऑफ सिस्टम, तो वो टू वेज हैं, वर्क डन के जरिए से और हीट के जरिए से, ठीक है जी। एट नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेट फंक्शन, तो वर्क इंथैल्पी प्रेशर टेम्परेचर कैपिटल लेटर से लिखे जाते हैं, इनिशियल फाइनल वैल्यूज पर डिपेंड करते हैं, इसलिए ये स्टेट फंक्शन है सिवाय वर्क के। नेक्स्ट है जी इन जीरो ऑर्डर रिएक्शन द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ रिएक्शन कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, एक्सरसाइज का ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आ जाए जी हमारे पास द यूनिट ऑफ रेट कॉन्स्टेंट इज सेम एज रेट ऑफ रिएक्शन, तो वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है जी ये रिएक्शन काइनेटिक्स है, इसमें पूछा हुआ कि अगर ए जो है वो एक्सेस अमाउंट में है तो ए का फैक्टर कैंसिल हो जाएगा तो बाकी बी बचेगा रेट इक्वेशन में, और बी की पावर क्या है यहाँ पे 1, लिहाजा 1 इसका ऑर्डर होगा, ए ऑप्शन। द एंजाइम यूज फॉर हाइड्रोलिसिस ऑफ यूरिया इज यूरेज। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन इज डिक्रीज एज रिएक्शन प्रोसीड, ये भी एक्सरसाइज में से ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट है जी इन फोटोकेमिकल रिएक्शन इज यूजली जीरो ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक है जी, क्योंकि जीरो ऑर्डर इसलिए होते हैं क्योंकि फोटोकेमिकल रिएक्शन सनलाइट पर कैटलिस्ट पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते, तो ऐसे रिएक्शन जो कि इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर डिपेंड ना करें वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहलाते होते हैं। हाइड्रोलिसिस ऑफ सरसी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, तो ये आता है जी सीरो सॉलिड, क्योंकि इसमें वाटर एज एक्सेस अमाउंट पर वर्क कर रहा होता है इसलिए इसको सीरो ऑर्डर कहें। इंथैल्पी ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की जो इंथैल्पी होती है वो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होती है और वो हम ऑलवेज पॉजिटिव होती है। पार्ट ऑफ यूनिवर्स अंडर स्टडी इज कॉल्ड सिस्टम, और जबकि अदर जो है सराउंडिंग द सिस्टम के जो इर्द गिर्द है वो सारी सराउंडिंग कहलाएगी। खैर ए ऑप्शन इसमें करें। नेक्स्ट जी हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसका सब्जेक्टिव पार्ट, क्योंकि इसमें चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 7 जो है उसके शॉर्ट क्वेश्चन या मटीरियल है, लिहाजा मैं सिर्फ यहाँ पे चैप्टर नंबर जो है वो 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा। चैप्टर नंबर 11 प्रीवियस आपने फेज के अंदर अच्छे तरीके से उसके शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किए जा चुके हैं जी। इसमें है फर्स्ट, इसमें शॉर्ट क्वेश्चन जो 7 नंबर चैप्टर में से है, इंटरनल एनर्जी और इंथैल्पी में क्या फ़र्क है, तो इंटरनल एनर्जी तो जो है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम होती है। अब काइनेटिक एनर्जी जो है वो मूवमेंट की वजह से, ट्रांसलेशन मोशन, वाइब्रेशनल रोटेशनल मोशंस की, मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से, और केमिकल बॉन्डिंग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से इंटरनल एनर्जी है, जबकि इंथैल्पी जो है वो टोटल हीट कंटेंट है जो कि बराबर होती है इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन के, डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन से, क्वेश्चन है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर, ये भी एक्सरसाइज का है, जस्टिफाई करें, तो इसमें वो वाटर की एग्जांपल आप एक्सप्लेन करेंगे। इसके अलावा ये प्रूफ है डेल्टा एच इक्वल टू क्यू पी, इसको आपने जस्टिफाई करना है, प्रूफ करना है इसका। स्टेट फंक्शन को डिफाइन करेंगे आप, ठीक है, और इसके साथ सूटेबल कोई एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे कि ये एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है जो कि इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करती है, एंड द पाथ टेकन फॉर द चेंज उससे वो इंडिपेंडेंट होती है। उसके अलावा जी 7 नंबर क्वेश्चन में इंथैल्पी ऑफ रिएक्शंस कैन बी नेगेटिव, डेफिनेटली नेगेटिव है,
जो कि एक्सोथर्मिक जो हमारे पास रिएक्शंस होते हैं जिसमें हीट इवॉल्व हो रही होती है वो नेगेटिव हो सकती है। डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव है, जैसे हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन या हीट ऑफ सॉल्यूशन समटाइम्स डेल्टा एच वैल्यू इज़ नेगेटिव। उसके बाद ही ये सारे 11 से ऑटो कैटालिसिस। अच्छा, इज ए ट्रू नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है नेवर हैपन इन यूनिवर्स, तो ये बात गलत है। दैट जो है यस ट्रू है, जैसे कि इसमें आप नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल देते हैं कि एयर के अंदर वो स्पार्क लाइटनिंग की वजह से जो है वो नाइट्रिक ऑक्साइड के अंदर बदलती है, तो ये स्पॉन्टेनियस एक नेचुरल प्रोसेस है यूनिवर्स में हो रहा है, लेकिन है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है जी। बर्निंग ऑफ कैंडल इज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, यस वो रिएक्शंस वो प्रोसेसेस जो कि इनिशिएट होने के लिए थोड़े स्पार्क की ज़रूरत होती है उसमें, और फिर बाद में वो स्पॉन्टेनियसली गो थ्रू होते रहते हैं, वो हमारे पास स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहलाते हैं। तो कैंडल का बर्निंग जब आप स्पार्क से जला देते हैं तो वो खुद खुद जो है वैक्स जो है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न होती रहती है। नेक्स्ट, इसमें स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को आप एक्सप्लेन करेंगे, तो इसमें एक एक डिफरेंस यानी एग्जाम्पल्स के साथ एलेबोरेट करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को डिफाइन करने के बाद इसकी डेल्टा इज इक्वल टू क्यू वी की इक्वेशन को साथ प्रूव करना पड़ेगा, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारे पास अटैम्प्ट होगा। नेक्स्ट है जी, व्हाट डू यू नो अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, तो इसमें आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिफाइन भी करेंगे और एक साथ सूटेबल एग्जांपल भी लिखेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये पहले भी डिस्कस हो चुकी है। एवरेज रेट इंस्टेंटेनियस रेट में क्या फ़र्क है ये एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन को प्रूव करेंगे। ठीक है, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक हमारा फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है। हीट इवॉल्व होने वाले प्रोसेसेस एक्सोथर्मिक हैं और हीट जिसमें अब्जॉर्ब होती है वो एंडोथर्मिक है। साथ इसमें एक एक एग्जाम्पल्स को एलेबरेट करेंगे। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को डिफाइन करेंगे और साथ एक HCl और जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के रिएक्शन करने से साल्ट और वाटर बनता है, और इसमें जो है वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन डेल्टा एच जो है उसकी वैल्यू -57 किलो जोल पर मोल लिखी जाती है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा जी इसमें लॉन्ग क्वेश्चंस देख लेते हैं। बॉर्नहाइबर साइकिल में डायग्राम, जो साइकिल मैंने आपको ईजी वे में ड्रॉ करना सिखाया है वो ज़रूर बनाएंगे आप इसके अंदर। एंजाइम कैटालिसिस को डिफाइन करेंगे और यूरिया वाली एक एग्जांपल लिखने के बाद आप उसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्लेन करेंगे। आर्हीनियस इक्वेशन टू हेल्प कैलकुलेट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, तो इसमें आर्हीनियस इक्वेशन शुरू में लिख के और फिर उसको ड्राइव करेंगे आगे एक्टिवेशन एनर्जी के लिए जो कि नेचुरल लॉ की, और फिर लास्ट पे ग्राफ भी इससे एलेबोरेट करेंगे। बम क्लोरीमीटर में डायग्राम भी बनाई जाएगी और साथ में इसमें कंबंशन हीट ऑफ कंबंशन को आप डिफाइन भी करेंगे, और फिर आप जो है वो उसका प्रोसीजर और इक्वेशन लिखेंगे। 4 फिजिकल मेथड हैं इसमें रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल रिएक्शन को मेजर करने के, जिसमें डायलोमेट्रिक मेथड है, स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड है, रिफ्रेक्टोमेट्रिक मेथड है, तो उसकी दो दो तीन तीन लाइनें जो है वो आप एक्सप्लेन करें। और हेसेस लॉ ऑफ हीट ऑफ समेशन को आप डिफाइन करेंगे और जनरल एग्जाम्पल के बाद आप 2 एग्जाम्पल्स लिखेंगे, कार्बन मोनोक्साइड की एंथैल्पी फाइंड करना और सोडियम कार्बोनेट की जो है वो एंथैल्पी फाइंड करना। ये 2 एग्जाम्पल से आप एलेबोरेट करेंगे। बहुत शुक्रिया।